नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने जताई चिंता, कहा कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही हमें अस्पतालों को करना होगा मजबूत। उत्तराखंड में 25 मई तक बड़ा कोविड कर्फ्यू, शादी में जाने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लिया गया फैसला। ब्रह्म मुहूर्त में खुले बद्रीनाथ धाम की कपाट, केवल पुजारी रहे शामिल, 20 क्विंटल फूलों से सजाएगा बद्रीनाथ धाम के सिंह द्वार व अन्य देवालय। उत्तराखंड में पैर पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 3719 नए संक्रमित मामले, 136 की हुई मौत, मृतकों की संख्या 5000 के पार। दांतों की तबाही के बीच उत्तराखंड में भी दिखा असर, मैदान में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी का अलर्ट, कई जगह ओलावृष्टि के आसार। उत्तराखंड में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर, एम्स में ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों की संख्या 25 हो गई है और अब तक एक की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे और आईजी अमित सिन्हा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि कल 5000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए, ऐसा काफी दिनों के बाद हुआ जब नए मरीज कम आए और स्वस्थ ज्यादा हुए। ऑक्सीजन बेड की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि एक महीने में ऑक्सीजन बेड की संख्या 2600 बढ़ाई गई है और 678 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। अमित नेगी ने बताया कि राज्य में 10000 ऑक्सीजन सिलेंडर है, साथ ही आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी। इससे पहले दो बार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। वही प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने ब्लैक फंगस को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस के 17 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 14 एम्स ऋषिकेश में, और इस दौरान 1849 कालाबाजारी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 112 पर कॉल कर जनता को कालाबाजारी को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। इसमें भी करीब 80 मेट्रिक टन हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इस सारे ऑक्सीजन का हम लोग अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को लगातार अपने हॉस्पिटल से बना के रख रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अपने रिजर्व्स भी बना रहे हैं। पिछले दो दिनों से कोई स्पेसिफिक सूचना नहीं आई है, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें कालाबाजारी को लेकर शुरुआत में हम लोगों ने नंबर पब्लिसाइज किया, लोगों के फोन आने शुरू हुए, एक पीक पहुंचा, उसके बाद फिर से अब डाउन ट्रेंड आ रहा है। अच्छी बात है, कालाबाजारी की शिकायतें कम हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता नहीं है, कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि आपका नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। कोई ऐसी सूचना देता तो बिल्कुल दे, क्योंकि हमारे पास जब एक दो फोन आए और हम उन्होंने कंफर्मेशन करने के लिए उनको कॉल बैक किया, तो उन्होंने शिकायत करने से मना कर दिया। हमारी शिकायत है, जबकि हमने कहा भी कि आपकी शिकायत को हम लोग दर्ज नहीं करेंगे, हम लोग खुद अपना डिकॉय बनाकर ही उसको ट्रैप करेंगे। मिशन दी है, उसमें जो मेन चीजें, हमारा जो फोकस है, मैंने पहले भी कहा था, हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है कॉमनली फाउंड फंगस है, जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। कल भारत सरकार की एक वीसी थी, हम लोग भी कनेक्टेड थे, उसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि अगर एक बार ये अंदर चला गया साइनस के अंदर या कहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी पड़ती है, 6-7 फील्ड के डॉक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं इसको करने में, और 50% मोर्टेलिटी है। आम आदमी पार्टी ने जनसेवा में का एक बार फिर बड़ा जिम्मा उठाया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बारी ने काशीपुर शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने और एक एक घर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उनके द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, जिसके लिए उनकी पूरी टीम नगर निगम की मदद से पूरे शहर को सैनिटाइज करेगी। दीपक बारी ने बताया कि इस संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव मदद के लिए वो तैयार है, जिससे लोगों की जान बच सके। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी दीपक बारी ने सरकारी अस्पताल में कोविड संकट शुरू करने के लिए डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम खुद के खर्च पर रखकर लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। और वहीं कोरोना संक्रमण काल में नगर निगम ने जहां हाथ पैर छोड़ दिए थे, तो वहीं पूरे शहर को संक्रमण से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए दीपक बारी ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए पूरे शहर को
सैनिटाइज करने का जिम्मा उठाकर साबित कर दिया कि लोगों की मदद से बढ़कर कोई बड़ा कार्य नहीं होता। को बनाया है और काशीपुर में 8 हिस्सों में काशीपुर को हमने बांटा है। इस अभियान का नाम हमने रखा है हर घर हर दुकान सैनिटाइज अभियान। इसके तहत जो नंबर जारी करे गए हैं जिसमें जिस एरिया की टीम जिस एरिया में काम करेगी वहां से आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो उस घर में जाके सैनिटाइज करेगी, जिससे कि और ये अभियान हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे शहर की जनता को सैनिटाइज की जरूरत है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में क्या तीसरी लहर आ गई। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। एक ही गांव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में क्या तीसरी लहर आ चुकी है कोरोना की। जिस तीसरी लहर की बात लगातार बड़े बड़े डॉक्टर्स कर रहे थे, चेतावनी दी जा रही थी, क्या उत्तराखंड में तीसरी लहर आ गई है। 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। एक ही गांव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। हालात ये है कि किसी किसी घर में दिया जलाने वाला तक नहीं बचा है। कहीं ना कहीं स्थिति काफी खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ जागरूकता का अभाव तो है ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। 10 दिनों में आपको बता दें कि 9 साल से कम उम्र के बच्चे हजारों की संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। एक तरफ कोरोना भी है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी है। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक। 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। एक ही गाँव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो क्या उत्तराखंड में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, हम इसी पर लगातार बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। देहरादून में 10 दिनों में आपको बता दें कि 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। एक ही गांव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, वो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है कि 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या तीसरी लहर आ चुकी है उत्तराखंड में, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवाब चौधरी जुड़ चुके हैं लाइव। नवाब, क्या उत्तराखंड में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना था कि जब तीसरी लहर आएगी वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक बच्चों के लिए होगी, और जिस तरीके से उत्तराखंड में 10 दिनों में 9 साल की कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे मालूम पड़ता है कि क्या उत्तराखंड में कोरोना ने तीसरी लहर है उससे दस्तक दे दी है। देखिए, उत्तराखंड में अगर तीसरी लहर की बात करें तो भारी तादाद में जो लोग संक्रमित हो रहे थे कोरोना से, लेकिन अभी हाल ही की अगर बात करें कुछ दिन की, तो इस पूरे टाइम में देखने को मिला कि जो मामले थे, जो केसेस थे कोरोना के, वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। कल भी जो है 3600 कुछ केसेस जो है सामने आए हैं पूरा उत्तराखंड में। तो इससे अगर बात की जाए पूरे उत्तराखंड की, तो ये एक अच्छा जो है सुखद मामला सामने आया है कि जिस तरह से पूरे केसेस लगातार बढ़े, लेकिन जो डेथ रेट है वो अभी जो है कभी 180 लोगों की डेथ हो जाती है, कभी 150 की, कभी 200 के लगभग, मतलब इस तरह के से डेथ अगर हो रही है। डेथ रेट में अभी थोड़ा सुधार नहीं आया है, जो कि पूरी तरह से खतरा है एक तरह से अगर देखा जाए। अगर इस वक्त उत्तराखंड में 75,000 के लगभग जो है एक्टिव केसेस है, तो वो एक बड़ा मामला है और बड़ा नंबर है, तो इससे खतरा बढ़ सकता है। रही बात तीसरी लहर की, तो विशेषज्ञों का, डॉक्टर्स का और WHO का भी कहना है कि पहली लहर में जिस तरह से बुजुर्गों को कोरोना ने निशाना बनाया था, उसके बाद जो है नौजवान भी इस लहर में, दूसरी लहर में जो है उन्होंने, उनकी भी इसमें जिंदगी गई है, उनको भी अपनी चपेट में जो है कोरोना ने लिया है। हालांकि कुछ वक्त पहले से कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में जो है बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है, मतलब कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। तो जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है। और उत्तराखंड की अगर बात करें, तो उत्तराखंड में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं और वहाँ पर टेस्टिंग और
कोरोना गाइडलाइंस का जो है उस तरह से पालन नहीं हो पाता है और स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की बड़ी लापरवाही उधर रहती है। और दरअसल क्या होता है कि डॉक्टर्स जो है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिल पाते हैं और जिस तरह से कोरोना जैसा संक्रमण है इससे जो सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े हाई फाई अस्पतालों में इसका इलाज होता है। आप अगर बात की जाए तो एम्स जैसे अस्पतालों में इसका बेहतर इलाज होता है जो बाकी, हालांकि लोग सरकारी अस्पताल जो छोटे छोटे अस्पताल है वहाँ पर इलाज कर रहे हैं लेकिन वो नाकाफी साबित होता है। कई बार उन्हें भी जो है मरीज को देहरादून शिफ्ट करना होता है, देहरादून में जो बड़ा अस्पताल है तो उन्हें अस्पताल वहाँ भेजना होता है या प्राइवेट अस्पताल में जो है उसको रेफर कर देते हैं। तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो नाकाफी है पहाड़ों में और जिस तरह से केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो है पहाड़ों में बढ़े हैं वो एक चिंता का विषय बना हुआ है और इस ओर सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पहाड़ों में इस जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा लाचार है, बहुत ज्यादा सही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कल स्टेटमेंट आया कि हम लोग किसी लहर की जो है तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि देहरादून जो है आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस पहले जिस तरह से कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो देहरादून में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू की बहुत ज़्यादा मारामारी थी और सभी लोग जो है ताहिम ताहिम थे तो उनका भी कहना है कि अब जो है ऑक्सीजन बेड्स भी खाली है और बहुत ज़्यादा लोगों की जो है फोन और कॉल्स नहीं आ रही हैं। उनका कहना है कि अब ज़्यादातर जो बेड्स हैं वो खाली भी हैं और आसानी से जो मरीज है उनको ट्रीटमेंट मिल पा रहा है, बेड मिल पा रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है कि जो कोरोना संक्रमण का जो मामले हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और पेशेंट भी जो है ठीक हो जा रहे हैं। इसमें कोई तो राय नहीं है नवाब की रिकवरी रेट हाई है, रिकवरी रेट लगातार जो मरीज हैं वो ठीक हो रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो ये कि जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं अब सरकार करेगी, उनको किन वार्ड्स में भर्ती किया जाएगा, उनकी कैसे देखभाल करनी होगी क्योंकि बच्चों की देखभाल उसी तरीके करनी होती है जैसे बुजुर्गों की करनी होती है। बुजुर्ग और बच्चे लगभग हमारे देश में सेम माने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से जब पहला वेरियंट आया और बुजुर्गों को जब निशाना बनाया, जब पहली लहर आई और उसके बाद अब जिस तरीके से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए ये सरकार की जिम्मेदारी है। और तीसरी लहर की दस्तक हो या ना हो लेकिन बच्चे संक्रमित हो रहे हैं ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मामलात सामने आए हैं जिसमें 2 साल के, 1 साल के इवन नवजात शिशु भी जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनका बेहतर इलाज भी हुआ है। और छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चे कोरोना से जंग जीत कर आए हैं और जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। और रही बात इस बार की तो देखिए ट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल सेम वही होता है, अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीजन बेड्स दिए जाते हैं और आईसीयू की जरूरत होती है आईसीयू दिए जाते हैं। मेडिसिन वगैरह में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है एज के मुताबिक लेकिन क्या है कि इसमें बिल्कुल वही ट्रीटमेंट। यहाँ पर जैसा बोल रहे हैं कि देश में छोटे बच्चों पे संक्रमण हुआ, मैं इससे मना नहीं कर रही हूँ, संक्रमण वाकई हुआ वो ठीक भी हुए लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में, इतनी भारी मात्रा में कभी संक्रमण नहीं फैला कि 10 दिन में 1000 बच्चे संक्रमित हो जाना एक बड़ा आंकड़ा है। इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे, एक दो बच्चे संक्रमित हुए, 3-4 बच्चे संक्रमित हो गए और वो भी बहुत कम आंकड़े के साथ, लेकिन उत्तराखंड में ही 10 दिनों में 1000 बच्चों का संक्रमित हो जाना ये चिंता का विषय जरूर है नवाब। आप सही कह रहे हैं कि ये जिस तरह से आंकड़ा सामने आया है वो एक चिंता का विषय है, वो भी ऐसे प्रदेश में जहाँ पर हर तरफ से मार है, वहाँ पर दिव्य आपदा भी है, वहाँ पर ब्लैक फंगस भी है, कोरोना संक्रमण भी है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और पहाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ पर जो है मेडिकल की सुविधाएं जो है बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है तो ऐसे में जो है, हालांकि बहुत लोग कहते आ रहे हैं कि पहाड़ों में जो है प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा लापरवाही की जा रही है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जा रहा है, जो उनके घर के बाकी सदस्य हैं उनको जो है क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह की शिकायतें पहले भी आ रही थी और हो सकता है कि इसी का नतीजा हो कि जो ये छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी कोरोना संक्रमण जो है उनमें भी पाया जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो
जरूरी है कि इनको बेहतर इलाज की जरूरत है और इनको बेहतर इलाज दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में उस तरह का इलाज नहीं मिल पाता है और सरकार को इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम भी मीडिया के माध्यम से सरकार को जागरूक कर रहे हैं कि पहाड़ों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, पहाड़ों में जो कोरोना संक्रमण है वो अपने पैर पसार रहा है, तो उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बात की जाए उत्तराखंड के अधिकारी की, तो उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं वो भी जो है राम भरोसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें फोन किया जाए तो वो फोन नहीं उठाते हैं, स्थिति की अगर कोई जानकारी लेते हैं तो वो भी नहीं दी जाती है। और बात की जाती है कि आप शिकायत कर सकते हैं इन नंबरों पर, तो जब उनके फोन ही नहीं उठते हैं तो आखिर कोई शिकायत कहाँ करेगा और किस तरह की, क्योंकि समस्या यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग ही नहीं है, समस्या यहाँ पर जो है उपचार ना मिलना भी है, समस्या यहाँ पर जो है जो लोग पॉजिटिव है उनको क्वारंटाइन करना है, उनको बेहतर इलाज होम आइसोलेशन में देना है, या फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना है, या उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनको ट्रेस करना है, उनको ट्रैक करना है, ताकि जो संपर्क वाले लोग हैं उनको क्वारंटाइन किया जा सके या उनकी जांच की जा सके। हालांकि जब पहली लहर उत्तराखंड में आई थी तो उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त जो है उत्तराखंड के सामने दो समस्याएं थी, एक तो जो बाहर से लोग आ रहे थे अपने प्रदेश लौट रहे थे उनको वापस लाना भी है, क्योंकि बहुत लोग जो है दिल्ली में फंस गए थे उस वक्त, और उसके बाद जो कोरोना संक्रमण है उससे भी बचाव करना है, क्योंकि दिल्ली में जो ये संक्रमण बहुत तेजी से फैला था और वहां से लोग अपने प्रदेश लौट रहे थे, तो उस लिहाज से जो है बहुत ज्यादा कश्मकश में जो सरकार थी उस संक्रमण को भी रोकना है, उनको क्वारंटाइन भी करना है, उनको वापस उत्तराखंड भी लाना है, तो उस वक्त क्या होता था कि ट्रेसिंग बहुत ज्यादा पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा की जाती थी, किन किन लोगों के संपर्क में आए, किन लोगों से वो मिले, तो उन सबको क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब वो वाली जो चीजें हैं बहुत ज्यादा उसमें ठीक लापरवाही देखने को मिलती है। अगर देहरादून की भी बात करें, देहरादून में भी इस तरह की चीजें सामने आती हैं, जो लोग साथ में रह रहे होते हैं वो आराम से जो है बाहर मार्केट में या बाजारों में घूमते हैं, लेकिन अब जो है उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती कि जो क्वारंटाइन की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके या ट्रेसिंग की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके, तो उसी का ये पूरा परिणाम हो सकता है। और अगर पहाड़ों में अगर इस तरह की चीज अगर इस तरह से संक्रमण फैलता है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पहाड़ अपनी देवी आपदा से भी परेशान है और कोरोना से भी परेशान। आप बिल्कुल नवाब, इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस तरीके से दैवी आपदा से उत्तराखंड परेशान है, एक तरफ कोरोना वायरस से परेशान है, दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है, कहीं ना कहीं इसकी जो मार है वो अब उत्तराखंड में पड़ने लगी, तो कहीं ना कहीं चौतरफा गिरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन लगा हुआ है तो जो गरीब रोज खाने कमाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बारिश लगातार हो ही रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और इस बीच एक संतुलन बना के रखना, अगर सरकार इसमें एक संतुलन बना के रख रही तो कहीं ना कहीं ये भी काबिले तारीफ है कि लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं और ऑक्सीजन और सिलेंडर की कमी की ना जो कमी है उसको पूरी करने की लगातार वो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें ठीक है। नवाब, आगे आप भी आपसे और भी जानकारी लेंगे, और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में क्या तीसरी लहर आ गई है, जिस तरीके से उत्तराखंड में 10 दिनों के अंदर 9 साल की उम्र से 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये तीसरी लहर नहीं है, हालांकि क्योंकि बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा था इसलिए शायद बच्चों में भी ये संक्रमण फैला है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में क्या तीसरी लहर आ गई है। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक, 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित, एक ही गांव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना, एक तरफ उत्तराखंड में दैवी आपदाएं जो है वो लगातार आ रही हैं, दूसरी तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तीसरी तरफ ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है उत्तराखंड में, तो
तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो स्थिति है वो काफी खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो उनकी स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर ना इलाज मिल पा रहा है लोगों को ठीक तरीके से, और ना ही लोग जागरूक हैं कोरोना को लेकर कि किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करना है, किस तरीके से हमें खुद को बचा के रखना है कोरोना संक्रमित होने से। नवाब चौधरी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। नवाब, बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां के लोग जागरूक नहीं है, दूसरी बात ये कि वहां पर इलाज का अभाव है, बहुत आसानी से इलाज नहीं मिल पाता है। अगर कोई बीमार है तो कई कई किलोमीटर दूर जो है वहां पर अस्पताल बने हुए हैं, तो कभी कभी देर हो जाती है अस्पताल पहुंचने में, और कभी कभी अगर वहां पहुंच भी जाते हैं तो बेड की समस्या से दो चार होना पड़ता है और उसके बाद मौत हो जाती है। एक गाँव में 30 लोगों की मौत हो गई एक दिन में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि ये जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें हो रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या करेगी? देखिए ऐसी, अगर उत्तराखंड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड का एक बेहतरीन विकास होगा, पहाड़ों का विकास होगा, लोगों की यही उम्मीद थी और इसी को लेकर लोगों ने आंदोलन किया था जी। और जिसके बाद जो है बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी भी दी थी उत्तराखंड को अलग करने के लिए उत्तर प्रदेश से, और 2000 में तब जाकर कुर्बानी के साथ उत्तराखंड का उदय हुआ। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी प्रदेशों में आज भी जिस तरह से मेडिकल सुविधाओं की कमी है, तो 20 साल से अब तक बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उत्तराखंड की जनता को पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना बेवकूफ बनाया है, कितना उनका शोषण किया है कि वहाँ पर आज तक जो है मेडिकल की सुविधाएं जो है वो नामात्र के बराबर है। अगर बात की जाए इस वक्त या अभी तक के इस पूरे समय में मेडिकल सुविधाओं की, तो आपको बता दें कि इस तरह की जो ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है कि कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती है वो उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुँचती है, तो कई बार सड़क पे बच्चों को जन्म देती है वहाँ पर महिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्गों को जो है अस्पताल पहुँचाना होता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती, तो जो चारपाई जिसको बोलते हैं हम इस्तेमाल सोने के लिए करते हैं, तो उसको कंधे पर रखकर जो है ग्रामीण अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी तस्वीर आती है कि दरअसल क्या होता है कि सड़कें नहीं है गांव में और जंगल के रास्ते और गदेरों के रास्ते से होते हुए जो है ग्रामीण मरीज को लेकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह की जब तस्वीरें सामने आती है तो हम जो याद करते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जो कि पूर्व राष्ट्रपति है और वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने कहा था विजन 2020, तो विजन 2020 में उनका कहना था कि हम हर तरह से जो है मजबूत होंगे पूरे देश, चाहे टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो या सुख सुविधाओं के हिसाब से नागरिकों की हो, तो हम हर तरह से मजबूत होंगे। लेकिन विजन 2020 अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो वो बिल्कुल पूरी तरह से नहीं देखा जा रहा। अगर क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो दुख होता है कि हमारे देश का एक प्रदेश ऐसा भी है जहाँ पर जो है सड़कों पर लोगों की मौत हो जाती है। तो वही अब अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, देखिए सरकार जब पूरा कार्य करती है, जब ऐसी विपत्ति होती आती है तो उसमें क्या होता है कि सरकार को भी समझ में नहीं आता कई बार कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन इस बार सरकारों की ये गलती रही है कि दूसरी लहर को उन्होंने सोचा था कि अब शायद वायरस खत्म हो गया है, कोरोना वायरस खत्म हो गया है, तो शायद अब जरूरत ना पड़े उन सुख सुविधाओं की या अस्पतालों की, तो सरकार लापरवाही होगी और साथ में जनता भी लापरवाही होगी, क्योंकि जनता ने भी जो प्रोटोकॉल्स है उसको खूब तोड़ा, जमकर उनकी धज्जियां उड़ाई। तो एकदम से जब लहर सामने आई तो सरकार को लगा कि अभी एकदम से जैसे सामने एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है कि इस चुनौती से लड़ना कैसे है। हालांकि सरकार ने जैसे तैसे करके इस पूरी चुनौती को एक्सेप्ट किया और इस पर काम करना शुरू किया। हालांकि इस बीच जो है बेड्स की जो समस्याएं थी उनको भी बढ़ा वो भी पूरी की, उनको भी बढ़ाया गया, और कुमाऊं की बात करें वहां पे भी बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, उपरवाल की बात करें तो वहां भी बेड्स की संख्या जो है बढ़ाई गई। तो जब इस तरह की समस्या आई तो लोगों को इलाज भी मिलना शुरू हुआ, लेकिन मारामारी रही। लेकिन जिस तरह से बाकी प्रदेशों में हालात रहे हैं उस तरह के प्रदेशों में हमारे प्रदेश में जो है हालात देखने को नहीं मिले, क्योंकि बाकी प्रदेशों में लोग सड़कों पर पड़े थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था और उनकी गाड़ी में डेथ हो जा रही थी और ई रिक्शा तक में डेथ हो जा रही थी, सड़क पे फुटपाथ पे पड़े हैं। तो इस तरह की समस्या जो है उत्तराखंड में देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से अब क्या है कि अब समस्या इसलिए बढ़ने लगी है क्योंकि ये जो ये संक्रमण था पहले मैदानी इलाकों में था, और मैदानी इलाकों में जब संक्रमण था तो लोगों को चिंता थी कि ये संक्रमण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाए। लेकिन मैदानी इलाकों को माना जाता है उत्तराखंड के कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर है, अस्पताल है, और जो यहाँ पर डॉक्टर्स भी भारी तादाद में है और अच्छे डॉक्टर्स भी है,
तो अब जब कोरोना संक्रमण यहाँ पर इतना बेकाबू हुआ कि उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि पहाड़ों में जो है संक्रमण को नहीं जाने देना है और उसको यहीं पर रोक के रखना है, तो उससे अब आप अंदाजा लगाइए कि उस संक्रमण को जहाँ पर आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है अस्पताल में, जहाँ पर जो है सड़कें नहीं है अस्पताल जाने के लिए, एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे हालात में जो है अगर संक्रमण गांव तक जाता है उत्तराखंड के और भारी तादाद में लोग संक्रमित होते हैं, तो हालात को किस तरह से जो है काबू किया जाएगा, इसको लेकर जो है सरकार से सवाल करना लाजमी है और सरकार को इस ओर जो है ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर सर ये इस तरह से संक्रमण को रोका नहीं गया तो बिल्कुल बिल्कुल अब आप कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार से सवाल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि संक्रमण रोकना, ग्रामीणों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना, लोग अभी भी कोरोना वायरस को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं, तो ब्लैक फंगस आ गया, ब्लैक फंगस को समझाना भी उतना ही मुश्किल है, जब कोरोना वायरस अभी तक नहीं समझ में आया ग्रामीणों को तो ब्लैक फंगस इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है और इलाज का जो अभाव है वो उसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड में क्या तीसरी लहर आ गई है, उत्तराखंड में 10 दिनों में 9 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, एक ही गांव में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बेकाबू हुआ कोरोना, एक तरफ जहां दैवीय आपदाएं कुदरत का कहर, दूसरी तरफ जहां कोरोना वायरस है, तीसरी तरफ ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है, तो उत्तराखंड में स्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो कमी है वो नहीं होने पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।